मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा कि सपोज़ किसी पे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, कोई शॉकिंग इवेंट हो गया उसकी लाइफ में, कोई एंग्जाइटी से यानी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में उलझा हुआ है वगैरह वगैरह, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स हम लिस्ट डाउन करें जो उसे हेल्प करेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि मेरे नज़दीक ना वसीम भाई, एक्सेप्टेंस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एक्सेप्ट के यू आर इन दैट सिचुएशन। बिल्कुल। और ये अल्लाह की तरफ से, देखिए ना, हमारा कदर पर जो ईमान है वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जो खैर आई जा रही है वो ही कदर है, अल्लाह की तरफ से अगर अल्लाह आपको टेस्ट कर लेता है, कोई चीज़ आप लिखी हुई थी वो आ गई आप तक, तो उसको भी एक्सेप्ट करना, ये मेरा ख्याल इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मूविंग टू अ पॉजिटिव पाथ। क्या आप समझते हैं? बिल्कुल। उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं। तो मैंने कहा सर क्या करते हैं, बगैर स्ट्रेस के तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। सही। फिजियोलॉजिकल एंग्जाइटी ये तो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस सिर्फ उस बंदे को नहीं हो सकता जो कब्र में दफन है, जो दफन, बिल्कुल, बाकी जो जिंदा है ना। तो मैंने कहा इसको एक्सेप्ट करें। ये आपका बड़ा खतरनाक जुमला था जिसकी वजह से आपका चेहरा कोई और कहानी बता रहा है, आपकी जुबान जो है वो एक्सेप्टेंस पे है ही नहीं, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही। तो सबसे पहला काम कीजिए, बिल्कुल मैं बीमार हूँ लेकिन बीमारी की शिफा मौजूद है। क्या बात, आपने एक्सेप्ट करना है। हम जो है ना वो डिनाइल में रहते हैं। सही। नहीं नहीं मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमारियाँ आती हैं, जिस तरह सेहत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है वैसे ही बीमारी भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। बीमारी से पहले जिंदगी अपनी लगती है, बीमारी में अल्लाह की लगनी शुरू हो जाती है। अल्लाह से आप कितना स्ट्रांग जो है वो आपका वो ताल्लुक बन जाता है। बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि जब तक इंसान बीमारी के काबू में रहता है उसके हर लम्हे पर नेकी लिखी जा रही होती है। ये अगर हम जो है उस बीमारी को भी अल्लाह के रेफरेंस से देखें जी जी, तो हम उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। सही बात। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर दिन भी आएंगे। और जिसको वसीम भाई हम अक्सर बड़ी सख्त आजमाइश समझ रहे होते हैं ना, आई थिंक दैट इज़ द रिफाइनमेंट प्रोसेस, नॉट इवन एन आजमाइश। आजमाइश तो देखें ना अम्बिया पे कैसी कैसी आजमाइशें आई हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहिम, मतलब हज़रत सारा बांझ हो गई और फरिश्तों ने जब न्यूज़ दी गुड न्यूज़, तो इवन शी कुडंट बिलीव कि ये कैसे हो सकता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते ना उन आजमाइशों का जो अल्लाह ने अपने प्यारों को जिस तरह से आजमाया। आई बिलीव के वो रिफाइनमेंट प्रोसेस, अल्लाह रिफाइन कर रहा है आपको। अभी रिसेंटली वसीम भाई एक मेरे पास एक सिस्टर का मैसेज आया, तो काफ़ी परेशान थी जी सेट के मेरे ट्विंस बच्चे हैं, और भी हैं दो तीन और बच्चे भी हैं उनके, लेकिन दे वर द फर्स्ट बॉर्न, ये ट्विंस जो हैं दोनों बेटे हैं। शी सेड कि उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनकी ना गर्दन नहीं टिकती, और हर वक्त यानी जाहिर है कि पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन सच चिल्ड्रन। तो शी सेड कि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक है, यानी उन्हें हर तीसरे दिन को बीमारी हो जाती है। तो हर वक्त ना हम खपे हुए हैं उनके साथ ही जो ना हम जुड़े हुए। एंड शी वाज़ सेइंग कि मुझे नहीं यकीन आ रहा है मेरे साथ हो गया, और मैं क्वेश्चन करती हूँ इसको, डेली क्वेश्चन करती हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और मैं अल्लाह से भी पूछती हूँ कि मेरे साथ क्यों। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव भी जो है ना वो होती जा रही। सबसे पहले तो मैंने अप्रिशिएट किया कि आपने अपनी वो दिल की एक वो सही ख्यालात जो है उनको सामने रखा है, ज़ाहिर है इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर मैंने उनका कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू आर इन दिस सिचुएशन एंड इट इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू। ये लिखा हुआ था आपके लिए कि आपके बेटे उनको ये इशू होगा, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लें एक ठंडी आग भर के, उसके बाद ये सोचें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर इसमें को खैर। और फिर मैंने उन्हें कई खैरें गिनाई। एक तो ये कि देखें, मैंने कहा जो ऐसे बच्चों की कफालत करते हैं जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो ऐसे बच्चे तो वैसे ही पुल सिरात से उनके लिए एक जो है ना वो आप कह लें कि निजात का बाइस बने, हदीस में अल्फाज हैं इस तरह। दूसरा ये कि एक एक मौके पे आपके गुनाह झड़ने, यानी अल्लाह को पता है ना ये मेरा बंदा हर वक्त परेशान और खपा हुआ है, तो अल्लाह आसानी भी पैदा करेगा। हो सकता है आपको वो अभी समझ आ जाए कि ये क्या था मकसद इन बच्चों का, हो सकता है आपको क़यामत वाले दिन दिखाए अल्लाह। तो ये तो इंसान कभी नहीं कह सकता ना कि नहीं जी आई एम डिस्ट्रॉयड, आई एम डूम्ड एंड आई एम गॉन। कई लोग हैं वसीम भाई, मैंने उन्हें मिसाल दी उनकी कि अगेन ये भी मिसाल मेरे वो जो क्लोज़ रिलेटिव हैं उन्होंने ही बताई, उनसे मेरी ये गपशप लगी रहती है माशाल्लाह, जैसे अभी आपसे लगा रहा, तो उनके पास भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं तो बड़ा मज़ा आता है उनके पास बैठ के। उन्होंने अपने एक और दोस्त की बात कही कि उनको जो पहला बेटा हुआ
वो हैंडीकैप, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि जी ये या तो इसे वेंटिलेटर से उतार देंगे हम, ठीक है, तो ही इज़ डेड, जब बिल्कुल छोटा था, या ये कि इसका हम थोड़ा बहुत इलाज करते हैं लेकिन ही विल बी हैंडीकैप फॉर लाइफ, कोई उसको रेयर डिजीज़ थी। इस साइड के नहीं नहीं हमारा इसमें बिलीफ नहीं है कि मार दिया जाए, मर्सी किलिंग आपको पता है वेस्ट में एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इस साइड के नहीं मुझे कबूल है ये बच्चा। और वसीम भाई वो कहते हैं कि मैंने आज तक उस बंदे के मुंह पे शिकायत नहीं देखी, एंड ही लव्स हिज सन सो मच, 6 साल 7 साल का वो बच्चा हो गया, यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा है ना वो बंदा अपने बच्चे के लिए। उसने घर भी ऐसा ख़रीदा जिसमें लिफ्ट लगवाई, ठीक है, वो लिफ्ट से अपने बच्चे को नीचे लाता है, गाड़ी में सीट ऐसी बनवाई कि उसका बच्चा बैठ सके कंफर्टेबल, यानी ही इज़ डूइंग सो मच फॉर हिज चाइल्ड। डू यू थिंक अल्लाह ताला उसकी तमाम एफर्ट्स वेस्ट कर दे, अल्लाह ताला उसको जजा नहीं देगा? अल्लाह कहता है कि ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे ना मैं सामने ले आऊँगा, ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी मैं उसको भी सामने ले आऊँगा। और अल्लाह कहता है कि इस मोहसिनीन को तो अल्लाह फिर ऐसे रिवॉर्ड करेगा कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। देखिए ऐसी मिसालें भी हैं वसीम भाई कि हु आर इन दैट सिचुएशन बोल्डली एंड ब्रेवली दे हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन। वी हैव टू बी ब्रेव इन लाइफ। कभी कभी ना एक जुमला ही वसीम भाई काफ़ी होता है किसी के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो है इकलौती बेटी हैं, उनको खुला मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, बहरहाल वो जो भी मामला था, लेकिन ये कि बड़े दुखी थे तो उन्होंने मेरे से काफ़ी डिटेल में बात की। तो अभी रिसेंटली मैं उनसे मिला ना तो बड़ा खुश थे माशाल्लाह, और ख़ुद उन्होंने बताया कि अली भाई यकीन करें आपका एक जुमला जो है ना वही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने कहा अच्छा कौन सा जुमला, क्योंकि मुझे भी नहीं याद था, मैंने तो काफ़ी बातें की थी। कहते नहीं वो एक जुमला, कहते आपने सबसे पहले मुझे कहा था कि लिसन बी ब्रेव, बहादुर बने, जो हो गया है उसको फेस करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कहते बस दैट्स इट, आई बिकेम ब्रेव। अल्लाह से मैंने कहा अल्लाह मुझे बहादुर बना दे, मुझे सकत दे दे ये सिचुएशन एक्सेप्ट करने की। और फिर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा सुकून ऐसा गिना और ऐसी सकत दी कि मैं भी हैरान हूँ। माशाल्लाह हम मुस्करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन एक खातून आई थी, उनका जिक्र अगर मैं भूल जाता तो क्योंकि मैंने उनसे अच्छा हुआ मुझे याद आ गया कि आई, तो इस तरह था कि उनके वालिद की डेथ हुई, उनकी वालदा की डेथ हुई, उन्होंने अपने वालदा की बड़ी खिदमत की, फिर वो अकेली हो गई, मैरिड नहीं है। तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर वसीम वो पॉइंट वो टाइम जिस वक्त मेरे गुमराह होने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे, फिर मुझे कुछ लोग मिल गए। अच्छा। और मेरी जो रात है वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जो है ना वो रोशन हो गई। क्या बात। तो आपने जब भी जाना है ना तो आपने एक मोहम्मद अली भाई के सामने ये बात कर दी है। सुभान। और दूसरा तौहा इब्ने जरीर, कहते हैं उनकी जब नई वीडियो आती है माशाल्लाह तो मेरे लिए वो ईद का समा होता है। क्या बात, क्या बात। तो मैंने जो है आपकी बात कन्वे कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये बस अल्लाह ताला ने ही हमें कुछ अच्छी चीज़ें वसीम भाई हम हमारे मुँह से कहलवा देते हैं। अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है और इन सिस्टर में बड़ी खैर होगी, दैट्स वाई अल्लाह सेलेक्टेड हर माशाल्लाह। अल्लाह जिसको पसंद कर लेते ना फिर उसी को अल्लाह दीन की समझ भी देता है, अपने रास्ते पर भी लाता है। जज़ाकअल्लाह आपने उनका मैसेज दिया।